नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और पीजीटी के प्रवेश पत्र के अपलोड करने के साथ ही इस परीक्षा के लिए जो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, अब आपके लिए मात्र 10 दिन का समय बचा हुआ है। इस 10 दिन में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए जिससे आपको अपनी तैयारी पर जो है एक कॉन्फिडेंस आ सके और परीक्षा में अपने आप को बेहतर दे पाए, इसके लिए हम संक्षिप्त में जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इन बिंदुओं के माध्यम से आप बहुत ही सहज ढंग से परीक्षा में अपने आप को जो उतार पाएंगे, अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे और अंतिम रूप से जो है चयन में अपना नाम सम्मिलित कर पाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग जो है चर्चा करने का जो है प्रयास करेंगे कि इस दौरान क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए जिससे कि आपको प्रभावशाली ढंग से परीक्षा में जो उतरने और प्रश्नों को हल करने में जो है आपको सहायता मिल सकता है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम लोग शामिल करना चाहेंगे और जिस पर आप लोगों से अपेक्षा किया जाएगा कि जिसे आप परीक्षा के दौरान अपने मन में, अपने मस्तिष्क में शारीरिक और मानसिक संतुलन के साथ जो परीक्षा में जो उतारने में आप अपने आप का जो है सहयोग कर पाएंगे। तो इसमें कुछ बिंदुवार जो है चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखने का जो है प्रयास करते हैं। सबसे पहले अति संक्षिप्त नोट, अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है इसमें अब आप किताबों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं क्योंकि किताबें बहुत ही विस्तृत होती हैं, उसमें काफी कुछ चीजें परीक्षा उपयोगी होती हैं और काफी कुछ चीजें आपके व्यापक आधार के लिए होती हैं। इसलिए अब आपको किताबों के बजाय अति संक्षिप्त या नोट्स नहीं बल्कि अति संक्षिप्त नोट्स को आपको पढ़ना होगा। कहने का तात्पर्य है कि पीजीटी के जो भी विषय आप लोगों के लिए हैं, सोशल में अगर देखा जाए तो दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से अन्य साहित्यिक विषयों में अगर देखा जाए तो एक ही विषय वहां पर होते हैं, तो उनमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पूरे सिलेबस पे बेस्ड हर कोई जो भी तैयारी करने वाला व्यक्ति है पढ़ाई करने के दौरान, चाहे वो अंडरलाइन के रूप में हो या अपने जो है महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में, अगर हम 500 पेजेस का आपका पूरा संपूर्ण नोट्स था तो उसमें 20-25 पेज का, 30 पेज का अति संक्षिप्त नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा। और अगर इस तरीके से आपने बनाया है तो इन दौरान में जो है इस बचे हुए समय में आप केवल अति संक्षिप्त नोट्स का जो है अध्ययन करेंगे क्योंकि उसके माध्यम से जो सरल प्रश्न आपके पहले से थे वो तो तैयार ही थे और जो कन्फ्यूजन वाली प्रश्न है, जो कंफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके अति संक्षिप्त नोट्स से आपका तैयार हो जाएगा। तो इस दौरान केवल आपको अति संक्षिप्त नोट्स पढ़ना है। और दूसरे नंबर पर जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि पूर्व वर्षों के हल का बहुत ही महत्व है इस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पिछले 10 वर्ष के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया जाए तो वहां पर एक चीजें निकल करके सामने आती हैं, वो ये कि पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को वर्तमान परीक्षा में पूछने का एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है, एक ट्रेंड दिखाई पड़ता है। न केवल सीधे प्रश्न पूछे गए हैं बल्कि उन कॉन्सेप्ट और उन टॉपिक से भी सवाल पूछे गए हैं जो कि पूर्व वर्षों में पूछे जाते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उन सभी सवालों को यहां पर एक बार जो देखने का प्रयास करना होगा। यद्यपि आप लोग देख चुके होंगे लेकिन पुनः अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए और पूछे गए सवालों को कम समय में उत्तर देने के लिए, बिना किसी कंफ्यूजन के जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्व वर्षों के हल का अति महत्वपूर्ण स्थान है। और यही एक ऐसा जो माध्यम है जिससे आप पूरे सिलेबस को एक बार पुनः अपने मन और मस्तिष्क में डिजाइन कर पाएंगे। तो पूर्व वर्षों के हल, चाहे वो जो भी विषय हो, चाहे जिस भी प्रकार का जो है सब्जेक्ट हो, उन सभी सब्जेक्ट और टॉपिक पर इस तरीके के जो है पूर्व वर्षों के हल आप लोगों के पास उपलब्ध हैं और उन्हें आपको जो पढ़ने का प्रयास करना होगा। ऐसा करके ही आप पूरे सिलेबस पर एक बार अपनी निगाह दौड़ा पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले आ पाएंगे। और वहां से अगर देखा जाए तो अगर प्रश्नों की रेटिंग किया जाए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा प्रश्न पत्रों का अगर रेटिंग किया जाए 1 से लेकर 5 के बीच में, तो आपके प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो 3 से 4 के बीच में बैठता है, यानी कि उसकी कठिनाई का जो स्तर है वो 3 से 4 के बीच में होता है। बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए यहां रिपीट की संभावना व्यापक बनती है। और आप लोगों के लिए जरूरी है कि पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र प्रत्येक दशा में एक भी सवाल जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको मिस होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र को देखना होगा। यहां पर जो भी अभी तक जो है पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीजीटी में जहां तक केवल प्रश्न पत्रों की बात है तो आप पीजीटी का भी देख लेंगे, इसी तरीके से एलटी का जो एग्जाम है उसका देख लेंगे और राजकीय के जो लेक्चरर के एग्जाम है उसको भी देख लेंगे। इसी तरीके से अगर आप
देखना चाहते हैं तो कुछ और भी परीक्षाएं हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी तक जो पीसीएस के पेपर हुआ करते थे, पहले सब्जेक्ट होते थे प्री में, तो वहां पर जो है पीसीएस के जो है पीसीएस प्री के सब्जेक्ट के जो है पेपर दे सकते हैं, और पीसीएस के ही लेवल पे जो जीएस का है वो देख सकते हैं। तो इतना कम से कम आप लोगों को जो है देखना होगा, और इन सभी प्रश्न पत्रों को जो कि इन परीक्षाओं से संबंधित है, अगर आप इसको दोहराने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर पूरे सब्जेक्ट की जो है आप पर एक पकड़ बन जाएगी। पूरे सब्जेक्ट की पकड़ बनने के बाद आप पे एक आत्मविश्वास जागृत होगा, और आत्मविश्वास जागृत होने के बाद आपको परीक्षा देने में बहुत ही सहजता भाव का जो है महसूस होगा। तो आपको निश्चित तौर पर पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र पर सबसे ज्यादा इस बचे हुए 10 दिन में जो है देना चाहिए, और ऐसा करके आप जो है अपने आप को आत्मविश्वास में लाने में जो है सफल हो जाएंगे। तो ये देखना है, और तीसरा जो है हम देखेंगे टेस्ट दो, केवल दो टेस्ट यहां पर जो आपके पास समय बचा हुआ। अब आपके पास ज्यादा टेस्ट देने की संभावना नहीं है, ना तो समय है, लेकिन यहां पर यह चीज ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि टेस्ट जो है वो कहीं से भी किसी भी प्रकार का टेस्ट डिजाइन किया हुआ फॉर्मेट है वो आप हल करेंगे, लेकिन आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने इन टेस्ट के माध्यम से जो भी हल प्रश्न पत्र किया उसमें कितने सवाल आपके सही हुए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसके माध्यम से आप जो है इस परीक्षा के स्वरूप से एक बार पुनः नजदीक में आके परिचित होंगे। यद्यपि आप लोग पहले से दे रहे होंगे, लेकिन परीक्षा के नजदीक में आकर के देने से जो है आप लोग परीक्षा के स्वरूप, परीक्षा के एक संस्कृति से परिचित होंगे, और पर इससे माध्यम से आपको जो जरूरी सामग्री होती है उसको भी सहेजने में आपको मदद मिलेगी। टेस्ट देने का एक और भी अर्थ होता है कि इससे आपका समय प्रबंधन होता है। समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा में। यद्यपि टीजीटी के परीक्षा में समय आपके पास पर्याप्त होता है, लेकिन फिर भी समय का प्रबंधन हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप समय प्रबंधन कर ले जाएंगे, आपके मन से जो है टेस्ट देने के बाद एक डर खत्म हो जाएगा, और डर जब समाप्त होगा तो परिणाम आपके सामने क्या आएगा, आपके पास एक आत्मविश्वास जागृत होगा, क्योंकि आत्मविश्वास से आप मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होंगे। और कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो यहां पर मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, और ऐसा करके आप परीक्षा में जहां पर 1 से 2 नंबर से लोग रुकते हैं उस चीज से जो है आप निकलने में जो है सफल हो पाएंगे, और परीक्षा में अंतिम रूप से जो है अपने आप को सफल बनाने में भी जो है सफल हो पाएंगे। तो यहां पर टेस्ट जो है दो देना है, ध्यान देना है कि परीक्षा में कितने सवाल आप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो भी टेस्ट का पेपर बनाया है वो अपने बनाने का उसका स्तर है, अपना उसकी सोच है, उसके कठिनाई के अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन आपको टेस्ट देना है केवल इसलिए कि हमें टेस्ट देना है, हमें परीक्षा के नजदीक में आने के बाद उससे परिचित होना है, और जो भी त्रुटियां हो रही हैं उसे हम एग्जाम में न दोहराएं, क्योंकि टेस्ट का यही एक अर्थ होता है कि अगर कोई भी स्तर है, किसी भी प्रकार के जो है सामग्री है, किसी समय प्रबंधन है, डर है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, इससे आप अपने आप को बाहर निकालिए, और टेस्ट ही आपको ये चीज करने में मदद करता है। प्रश्न आप कम करते हैं या ज्यादा करते हैं इससे डरने की जरूरत नहीं, बस इसको करने के बाद हमें यह सीखना है कि हमें परीक्षा में क्या क्या चीज ले जाना है, परीक्षा में समय से पहुंचना है, और वहां पर क्या क्या जो सावधानियां रखनी है, देनी है। जो भी आप गलती टेस्ट में करते हैं वो परीक्षा में नहीं करना है, क्योंकि टीजीटी की एक ऐसी परीक्षा है जो कि आप समझ रहे हैं कि कितने लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए आता है। तो यहां पर टेस्ट का ये इंपॉर्टेंस है। अब ये तो चीजें करनी है, कुछ और चीजें हैं जो नहीं करनी है आप लोगों के लिए, जैसे किताब। अब वर्तमान समय में आपको जो है किताबों का अध्ययन जो है नहीं करना है, क्योंकि ये करने से आपको केवल कंफ्यूजन मिलेगा, कम समय में आपके ऊपर दबाव बनेगा। ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी पूर्व में कर रहे थे और किसी कारण से वो सफल नहीं हो पाए, आपको उनकी बात नहीं सुनना है, क्योंकि वो आपको विभिन्न प्रकार के संशयों में डालने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अति वरिष्ठ लोग जो बाहर आ चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं, जो अब तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना, उनसे बात नहीं करना है, बस अपने आसपास के 1-2 लोग जो आपके ही तरीके से जो है पूरे ध्यान के साथ तैयारी में लगे हुए हैं और एग्जाम को फतह करने की जो है मादा क्षमता और विश्वास रखते हैं, उन्हीं के साथ जो है जाने का जो है प्रयास करना होगा, ताकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास बना रह सके।
तो इनके साथ साथ जो है आपको परीक्षा के दौरान कुछ सावधानियां हैं जिसे आपको बरतना होगा, जिसे हम यहां पे चर्चा करना चाहेंगे। वो ये है कि परीक्षा के दौरान जब भी आप जाते हैं, प्रश्न एक तो आपके समक्ष जो प्रश्न है वो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मेरे अपने ही जो है करियर में दिए गए बहुत ढेर सारे जो है परीक्षाओं का जो एक अनुभव रहा है उनके आधार पर मैं बता रहा हूं कि हमारे साथ की भी कई लोग इस तरीके से प्रश्न गलत करते थे कि मैंने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, अन्यथा ये सवाल गलत हो जाता। आपके समक्ष ये ध्यान में रखना होगा कि टीजीटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो कि कई वर्षों में आयोजित होता है, लंबे समय का इंतजार करना होता है, वैसी स्थिति में आपको जल्दबाजी में जो है प्रश्न पढ़ करके जो है उत्तर को गलत करने का कोई भी चांस नहीं लेना है। आपको प्रश्न पत्र एकदम ध्यान से पढ़ना और पूरा पढ़ना है। और दूसरे नंबर पर है विकल्प। यहां पर मैं अभी उदाहरण भी दे सकता हूं, पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जैसे एलटी का एग्जाम हुआ है उसमें लोगों ने विकल्पों को ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए गलत हुए हैं। तो विकल्प आपको चारों पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद भले ही उत्तर आपको दिख रहा हो लेकिन यहां पर ध्यान में रखना है कि विकल्प आपको चारों का चारों पढ़ना है, एकदम क्लियर पढ़ना, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर एक से अधिक सही उत्तर होते हैं। अब आपको यह ध्यान में रखना है वहां सर्वोत्तम का आपको चयन करना है, यानी कि कई सही विकल्पों में से हम उस विकल्प का चयन करेंगे जो सबसे ज्यादा सही है। पिछली बार एलटी की परीक्षा में जो लोक सेवा आयोग ने आयोजित किया था उसमें मार्क्स को लेकर के इसी तरीके सवाल पूछे गए थे। कई चीजें हैं और कुछ शब्दों हैं जैसे समर्थक, प्रवर्तक, इन शब्दों में जो है अंतर होता है। जो भी प्रतिपादक है, प्रतिपादक तो एक व्यक्ति होता है किसी विचारधारा का, लेकिन समर्थक कई होते हैं। इसी तरीके से इन सब शब्दों के मतलब को समझ करके उत्तर देना है, क्योंकि मेरे समकक्ष और बाद में कई लोगों के द्वारा यह भी बताया गया है कि उनका परीक्षा में एक से दो अंक के माध्यम से जो है प्रश्न पत्र में जो है ऐसा जगह नहीं बना पाए जिससे कि वो अंतिम चयन में अपना स्थान बना पाते। तो एक से दो सवालों की स्थिति यहीं से आप सही कर सकते हैं, उसके लिए तो पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। इसलिए यह स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है 10 दिन की, जिसमें आपको अपने शारीरिक मानसिक संतुलन के साथ एक कल्चर में रहना है। परीक्षा के लिए आप अपने मस्तिष्क के जो है समय को निकालने का प्रयास करेंगे और इस दौरान बहुत ही जो है संयम बरतने के लिए जो है आप लोगों को जो प्रयास करना होगा। तो यहां पर यह ध्यान में रखना है कि हम ऐसा करके एक से दो नंबर से अपने आप को अगर जो है बाहर हो रहे हैं तो इन सावधानियों के माध्यम से अंदर कर सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि इसी बार के जो परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स, जितना कट ऑफ मार्क्स है उतने ही मार्क्स पर होने के बावजूद केवल जन्म तिथि से लोग बाहर हुए हैं। कहने का मतलब वहां नंबर की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप इन जो है सावधानियों का सहारा लेते हैं तो निश्चित तौर पर हर सवाल में इस तरीके से बढ़ा बढ़ा करके एक से दो नंबर, तीन नंबर तक अपने आप को और भी बेहतर स्थिति में ला पाएंगे। तो आपको इन सभी जो है बिंदुओं का सहारा जरूर लेना होगा और इनके माध्यम से आप परीक्षा में अपने आप को बहुत ही मजबूती से प्रस्तुत कर पाएंगे, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। तो आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में जो कि टीजीटी के जो है एग्जाम के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, हमारे कई मित्र और बंधु जो है परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन के साथ परीक्षा में आप उतरने का प्रयास कीजिए। बहुत लंबे समय के बाद यह परीक्षा आयोजित हो रही है। वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में यह घोषणा भी किया हुआ था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और चूंकि वर्तमान समय में इसके पास अत्यंत ही कम समय बचा हुआ है, ऐसी स्थिति में इस एग्जाम का आयोजित होना, इसके बाद अंतिम रूप से चयन बनाने के लिए आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है और यह परीक्षा आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बस आपके लिए 10 दिन का एक संयमित जो है रणनीति, संयमित मेहनत, कमिटमेंट, लक्ष्य के प्रति समर्पण, अपने मैटर पर और उससे ज्यादा अपने ऊपर पर भरोसा करने का जो है प्रयास करना होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इससे आपके अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जो है एक दिशा जरूर मिलेगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इससे आप अपने लक्ष्य पर जो है जरूर पहुंचेंगे। अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।